हेलो हाय नमस्कार, रीत की बात राजस्थान के साथ। यार काफी सारे बच्चों के बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, बहुत सारे पेरेंट्स के बहुत सारे क्वेश्चन। यार हमारी ये रैंक लाखों में आ रही है। हाँ जी, हमारी रैंक 500 है, 600, 3000, 8000, 5000। लोट ऑफ मेजोरिटी जो बच्चे हैं उनके हजारों में रैंक है, या फिर जो कैटेगरी वाले बच्चे हैं उनके भी हजारों में रैंक है। भैया ओबीसी कैटेगरी में 3000 रैंक है, हाँ जनरल कैटेगरी में 8000 है, 6000 है, 5000 है। क्या हमको कुछ मिल सकता है भैया? हाँ जी, अब ये प्राइवेट यूनिवर्सिटियों के पीछे बहुत पड़े बच्चे आजकल राजस्थान के अंदर। हाँ गवर्नमेंट कॉलेज भी है कुछ कॉलेज। वैसे अगर बात करूँ राजस्थान की तो ऑलमोस्ट रीप के अंदर कितने बच्चे पार्टिसिपेट करे भैया? हाँ जी कितने बच्चे, वैसे कॉलेजेस कितने हैं इस बार? वैसे ऑलमोस्ट 100 से ज्यादा कॉलेजेस पार्टिसिपेट करती है हर साल। ऑलमोस्ट रीप की अगर बात करूं कितनी सीटें हैं रीप राजस्थान के अंदर, 28,000 के करीब टोटली सीटें हैं हर साल। ऑलमोस्ट आधी सीटें वेकेंट रहती है। हाँ जी ऑलमोस्ट 50% सीटें वेकेंट रहती है, चाहे वो आपकी सीएससी ब्रांच हो, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, चाहे वो मशीन लर्निंग हो। ऑलमोस्ट सीटें 50% ब्लैंक रहती है। टोटल जो एडमिशन कंप्लीट होते हैं, जो रिपोर्ट जारी करता है कमिटी आफ्टर द एडमिशन कंप्लीशन प्रोसेस, 15 नवंबर तक ऑलमोस्ट एडमिशन 15,000 बच्चे डन कर देते हैं कॉलेजेस के अंदर। हाँ जी 15,000 एडमिशन ऑलमोस्ट डन हो जाते हैं। खैर हम बात करते हैं यार कितनी रैंक पर ऑलमोस्ट एडमिशन हो जाता है। वैसे कुछ नामी कॉलेजेस के नाम बताना चाहूंगा जिनकी काफी ज्यादा डिमांड है, हो सकता है आपको ना पता हो। एक इंजीनियरिंग कॉलेज है दैट्स इन जोधपुर राजस्थान, दैट्स नेम इज MBM इंजीनियरिंग कॉलेज। हाँ जी उसके बाद में कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जो कि आपका उदयपुर के अंदर पड़ता है, RTU कोटा राजस्थान टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, ये भी कोटा के अंदर पड़ता है। इसके बाद में एक कुछ इंजीनियरिंग कॉलेज है अजमेर के अंदर, जैसे गवर्नमेंट गर्ल्स इंजीनियरिंग कॉलेज है अजमेर में, एक अजमेर इंजीनियरिंग कॉलेज है। इसके बाद जयपुर की तरफ बढ़ते हैं, जयपुर में कुछ कॉलेजेस है, एक कॉलेज है SKIT। हाँ जी SKIT का आपने नाम सुना होगा, स्वामी केशवानंद भी बोलते हैं उसको। हाँ नहीं वो डिफरेंट है, नो आप मुझे कमेंट में बताना। हाँ दो यूनिवर्सिटी और है, दैट्स नेम इज एक JECRC फाउंडेशन है, एक JECRC यूनिवर्सिटी है। हाँ जी उसके बाद और कौन सा कॉलेज है भैया? एक पूर्णिमा कॉलेज भी है। इसके बाद में और कुछ जयपुर के प्राइवेट कॉलेजेस है, लोट ऑफ जयपुर के अंदर प्राइवेट कॉलेज ही है, गवर्नमेंट कॉलेज काफी कम है। उसके बाद में बहुत सारे कॉलेजेस है पार्टिसिपेट कर रहे हैं, प्राइवेट कॉलेज एंड गवर्नमेंट कॉलेज। स्टेट की अगर बात करूं यार, डिस्ट्रिक्ट की सॉरी समझ आता हूँ, डिस्ट्रिक्ट में ऑलमोस्ट हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, चाहे आप सीकर नागौर उसके बाद आप अगर निकल जाओ उधर की साइड बांसवाड़ा करौली हनुमानगढ़ आप श्रीगंगानगर जैसलमेर बाड़मेर बूंदी दौसा भीलवाड़ा यहाँ पे आपको लोटो बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज मिल जाएंगे जिनकी फीस भी काफी कम है भैया। प्राइवेट वाले फीस भी काफी कम करने को तैयार बैठे हैं लेकिन फिर भी बच्चे उधर इंटरेस्टेड नहीं है। हाँ जी मेजोरिटी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको कॉलेज मिल जाएगा, हजारों कॉलेज मिल जाएंगे। राजस्थान की अगर बात की जाए बहुत सारे हजारों कॉलेजेज आपको देखने को मिल जाते हैं। स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज काफी सारे पड़े हैं राजस्थान के अंदर, जैसे कि जोधपुर के अंदर आपका कौन सा जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी, बीकानेर में आपका बीकानेर टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, राजस्थान के अंदर RTU कोटा, मेजोरिटी कॉलेजेस RTU कोटा से अफिलेटेड है। अब राजस्थान अजमेर के अंदर भी कॉलेज है, अब जयपुर के अंदर बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज है। खैर मुद्दा ये है हमारा कि हमारी ऑलमोस्ट कितनी रैंक तक एडमिशन हो जाएगा। बच्चों की अगर कोई अगर प्रेफरेंस की बात करें तो वही है ऑलमोस्ट भैया जयपुर जाना है लोटोप को, हाँ ऑलमोस्ट को जयपुर जाना है, दूसरा जोधपुर जाना भैया MBM इंजीनियरिंग कॉलेज, देन कोटा उदयपुर जिलोगी नगरी और अगर अजमेर भी मिले तो ठीक है। हाँ 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 अब तो यार देखो सीटें काफी कम है हमारे पास आप अच्छे कॉलेजों के अंदर, वैसे तो आपको बहुत सारी चॉइसेस मिल जाती है। अभी अगर मैं रीप के फॉर्म में देख रहा था मेरे को वहां पे 500 से ज्यादा चॉइसेस दिखाई दे रही थी। आजकल वैसे नई नई ब्रांचेस भी आ रही है जैसे CS विथ AI, CS विथ Diago, CS विथ क्लाउड, CS विथ अलग अलग सिस्टम के अंदर लोटो ब्रांचेज आ रही है। अब जो भी बच्चे यहाँ जिनको एडमिशन लेना है स्पेशली कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अब ये जो ब्रांचेज है वो ऑलमोस्ट गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर आपकी अगर रैंक
500-700 के आसपास आ रही है वहां तक क्लोज हो जाती है। और जो टॉप कॉलेजेज है यार, टॉप कॉलेज इनको हम नहीं बोल सकते, लेकिन हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है राजस्थान के अंदर, जैसा कि MBM कॉलेज हो गया, आप CTI कॉलेज हो गया, अजमेर का वाला जो कॉलेज हो गया, ये मतलब टॉप कॉलेज तो नहीं है। इनके पास वैसे तो कुछ भी नहीं है, इंटर्नशिप प्लेसमेंट इंफ्रा इनोवेशन टेक्नोलॉजी आपको कोई जॉब वगैरह दे रहा हो बहुत बड़ा, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, लेकिन आपके पास और ऑप्शन ही क्या है, तो वही इनको हम टॉप मानते हैं बेसिकली। तो अगर आप बात करो यार जनरल वालों के लिए, MBM कंप्यूटर साइंस वाले जो बच्चे हैं वो ऑलमोस्ट आप मान के चल सकते हो कि 100 रैंक के आसपास, 90 के आसपास आपको मिल जाता है, ठीक है। वही आपको अगर CSE ब्रांच की बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो टॉप ब्रांचेज है, वो ऑलमोस्ट आप ये मान के चलो कि आज 700-800 बहुत बार 1000 रैंक तक भी पहुंच जाता है। और जो प्राइवेट कॉलेज है जयपुर वगैरह के अंदर, काफी सारे प्राइवेट कॉलेज है, वो आपको हजारों रैंक के अंदर मिल जाते हैं। हाँ जी, उनकी थोड़ी फीस वगैरह थोड़ी हाई रहती है, आप हजारों, आपकी अगर 5000 रैंक है, आपकी अगर 6000 रैंक है, 7000 रैंक है, तो आपकी आपको मिल जाता है, डोंट वरी, हजारों रैंक के अंदर मिल जाता है आपको। यार बहुत सारे सवाल होंगे, भैया हमारा एडमिशन होगा कि नहीं होगा, कौन सा ब्रांच हमारी रैंक पे मिल सकता है हमें, हाँ, तो इसके लिए हमारा इंडिया का सबसे अफोर्डेबल काउंसलिंग ब्रांच चलता है, आप उसके अंदर जाके एनरोल कर सकते हो बेसिकली। राजस्थान के अंदर तो बहुत कम कॉलेज है एंड इसके प्राइस एकदम एक पिज्जा के बराबर प्राइस है, ठीक है, आप लोग जाके जरूर से एनरोल कर सकते हो। मेजोरिटी लो टॉप कॉलेजेस पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, बेंगलोर, यहाँ पे आपको काफी अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज देखने को मिलते हैं, तो वहां पे आपका एडमिशन करा दिया जाता है हमारे एक्सपर्ट टीम की तरफ से, आप उसके अंदर जरूर से जाके एनरोल कर सकते हो। आपके अगर यार रैंक बहुत कम है, आपके लाखों में रैंक है JEE के अंदर, आपको अगर गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है, भैया हमें गवर्नमेंट कॉलेजों में एडमिशन चाहिए, आप अगर मार्केट के अंदर जाओगे, बहुत सारे चिलकतरे यूट्यूब पे आजकल वीडियो बना रहे हैं, हाँ जी, पहले आपको सेमिनार के अंदर बुलाया जाता है, हमारा सेमिनार हो रहा है आज पटना में, हो रहा है आज कोटा में, हो रहा है, आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन बताई जाती है और बोलते हैं भैया आप हमारे पेड प्लान ले लो, हाँ 15000 रुपए दे दो हमें पेड प्लान के अंदर, हम ट्राई करेंगे कि आपका एडमिशन करा दें, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, पहले आप हमारे 15000 रुपए दो, ऐसे बहुत सारे चिलकतरे हैं जो कि यूट्यूब पे आपके लिए कंटेंट बनाते हैं, हाँ, तो आप इन सबसे सावधान रहो। एक मैं नीचे गूगल फॉर्म दे रहा हूं, आपके अगर काफी लो रैंक है, आपको कोई आइडिया नहीं यार CS ब्रांच किस स्टेट में, कौन से गवर्नमेंट कॉलेज में कहां पे मेरा एडमिशन हो सकता है, आप उसको जरूर से फिल कर सकते हो, हमारी एक्सपर्ट टीम आपको कॉल करेगी, आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन देगी और आप जो है उन अच्छे कॉलेजों के अंदर एडमिशन ले सकते हो, ओके। और भी कोई आप लोगों के कोई सवाल हो आप हमें कमेंट में बता सकते हो। ये जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं, जो अच्छे प्राइवेट कॉलेज हैं, उनके अंदर आपकी अगर रैंक हजारों में भी है तो डोंट वरी, उनके अंदर आपको एडमिशन मिल जाएगा, ऑलमोस्ट 8-10 हजार रैंक तक आपको एडमिशन मिल जाता है जनरली। उसके बाद अगर बात करूँ तो वहाँ पे मैनेजमेंट कोटा भी रहता है, अभी जो प्रोसेस चल रहा है दैट इज काउंसलिंग प्रोसेस, ये जैसे ही बंद हो जाएगा तो आपको डायरेक्टली एडमिशन लेने का मौका भी मिलेगा। बहुत सारी सीटें हर साल वेकेंट रहती है, तो आप बिल्कुल भी घबराए ना, एक हमारा हेल्पलाइन नंबर दे रहा हूँ, आप इस पे कॉल भी कर सकते हो और जो भी आपके कोई सवाल है आप पूछ सकते हो, या फिर आपके लिए कोई बेस्ट ऑप्शन हो, हाँ जी आपको कोई अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज चाहिए, भैया मेरे इतने रैंक है, मेरे को CSE चाहिए, मेरे को एरोस्पेस चाहिए, मेरे को एरोनॉटिकल चाहिए, मेरे को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेरे को मशीन लर्निंग, डोंट वरी माई टीम विल हेल्प यू। इसके साथ ही आप दुनिया का सबसे अफोर्डेबल काउंसलिंग प्रोग्राम इंजीनियरिंग कंप्लीट सॉल्यूशन ज्वाइन कर सकते हो, अब जिसके अंदर आपको 100% अलॉटमेंट, 100% जूम काउंसलिंग सेशंस, 100% 24/7 कॉल सपोर्ट, आपके सारे डाउट्स, आपकी बेस्ट चॉइस फिलिंग, हाँ लल्लू लाल कॉलेज कौन सा है, आप बेकार कॉलेज कौन सा है, अच्छा कॉलेज कौन सा है, पूरा सॉल्यूशन आपको दिया जाता है, आप जरूर से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। महंगा है ये मेरे को कमेंट में कोई नहीं बताएगा।